डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन का निधन। हाल ही में प्रसिद्ध हार्वर्ड जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन का 92 वर्ष की आयु में बर्लिंगटन यानी अमेरिका में निधन हो गया। उनका जन्म वर्ष 1929 में बर्मिंघम अलबामा राज्य में हुआ था। वे लंबे समय तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, जिन्हें चींटियों और उनके व्यवहार पर दुनिया का अग्रणी अधिकारी शोधकर्ता माना जाता है। उन्हें एंटमैन और मॉडर्न डार्विन के नाम से भी जाना जाता है। विल्सन ने पक्षियों, स्तनधारियों और मनुष्यों के बीच होने वाली आपसी सामाजिक प्रतिक्रिया का भी अध्ययन किया। वर्ष 1975 में उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस का प्रकाशन किया। उन्हें उनकी पुस्तकों के लिए 2 बार पुलित्जर पुरस्कार भी मिला। वर्ष 1979 में ऑन ह्यूमन नेचर और वर्ष 1991 में द एंट के लिए। 1990 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें बायोसाइंसेज में क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी साल प्रकृति संरक्षण को लेकर उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने भी उन्हें 1996 में अमेरिका के सबसे प्रभावशाली 25 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था।